से जहां पर जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने गोल्ड तस्करी की बड़ी खेप पकड़ी है। बड़ी खबर इस वक्त की, दुबई से शरीर में छिपाकर 310 ग्राम सोना यहां पर लाया जा रहा था। एक महिला लेकर इस सोने को पहुंची थी। 13 लाख से ज्यादा सोने की कीमत बताई जा रही है। तो वहीं ऑपरेशन कर शरीर से सोने को बाहर निकाला गया है। मुमताज अब्दुल रशीद माछीवाला महिला का नाम बताया जा रहा है। तो ये बड़ी कामयाबी मिली है जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को, जहां पर गोल्ड तस्करी को पकड़ने में कामयाबी मिली है। दुबई से शरीर में छिपाकर 310 ग्राम सोना ये महिला लेकर पहुंची थी। 13 लाख से ज्यादा सोने की कीमत है और ऑपरेशन कर अब शरीर से बाहर सोने को निकाला गया है। मुमताज अब्दुल रशीद माछीवाला महिला का नाम बताया जा रहा है। दरअसल इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो बार बार सामने आती रही हैं और एक बड़ी कामयाबी एक बार फिर से। अंकित जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे हैं खबर पर जानकारी के साथ। अंकित, किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और कितनी कीमत बताई जा रही है सोने की? देखिए, जयपुर कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग ने यह सोना पकड़ा है। सोने की कीमत 13 लाख रुपए के करीब है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि एक महिला जो यात्री है उसे पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि कस्टम विभाग लगातार ऐसे मामले उजागर कर रहा है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो पकड़ में नहीं आ रही है। जो अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है उसका पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है। लगातार छोटे छोटे पॉकेट्स में विभिन्न एयरपोर्ट्स पर ऐसे तस्करी का सोना भेजा जा रहा है और सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में तस्करों के हौसले भी बुलंद है, मुनाफा भी अधिक हो रहा है। तो लगातार ऐसी कोशिश की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि अब इस महिला के जरिए उन लोगों तक भी पहुंचा जा सकेगा जिस पूरे कारनामे के प्रमुख किरदार है। ऐसे में कस्टम विभाग की बड़ी सफलता है। महिला अपने में सोना छिपाकर लाई थी और एक ऑपरेशन सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद इसे सोने को निकाला गया। सोने की जो वजन है वो 310 के करीब है और बिल्कुल यानी जो सोना है उसे पकड़ने में कामयाबी यहां पर मिली। इसे कस्टम विभाग को ये कामयाबी मिली है। तस्करी की जा रही थी, इसमें 13 लाख से ज्यादा की इसकी कीमत बताई जा रही है। शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए।